देखते ही देखते कुछ चंद सेकंड्स में आप लोगों का घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसी भी रीजन से हो वो मैटर नहीं करता है, उस बात को भूल जाओ। आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है, घुटनों में गैप आ गया, घुटनों में ग्रीस बनना बंद हो गया, कोई भी रीजन हो, आपका भार बढ़ा है, उस वजह से घुटनों में दर्द है, कोई भी रीजन हो, डिस्क हो, सियाटिका, कुछ भी हो, भूल जाओ उस बात को। जो मैं घरेलू उपाय बताऊंगा उसको आज से अभी से ही चालू करना, कर देना, दिन में दो बार करना है बस। और सबसे मेन बात, थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए कि अपने मन से इस गलत धारणा को निकाल दीजिए कि घरेलू उपाय आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत स्लो, बहुत ही धीरे असर दिखाती हैं, असर धीरे दिखाती हैं, लेकिन इतना भी धीरे नहीं दिखाते हैं कि आप लोग थक जाते हैं ऐसे कि भाई छोड़ो, पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्लो रिजल्ट्स दिखाती हैं, थोड़ा स्लो असर दिखाती हैं घरेलू उपाय आयुर्वेदिक दवाइयाँ, लेकिन रूट कॉज को ठीक करने का काम भी तो करती हैं, जड़ से भी तो उस बीमारी को साफ करने का काम करती हैं। तो बिना समय गवाए उस नुस्खे को ध्यान से सुन लो। आप लोगों ने एक लीटर पानी लेना है, आपने एक लीटर चाहे किसी भी बर्तन में ले लो, एक लीटर पानी लेना है, कढ़ाई ले ली, उसमें एक लीटर आप लोगों ने पानी रख लेना है। उस पानी में आप लोगों को ध्यान से समझ लेना, यही मेन बात है, यही यहाँ से स्किप मत करना। एक लीटर पानी लिया, कढ़ाई में डाला, गैस के ऊपर रख दिया, अभी गैस को ऑन नहीं करना है। अब इस पानी में मेथी डालनी है, ध्यान से समझना, मेथी डालनी है, अजवाइन डालनी है, काला नमक डालना है और कड़ी पत्ते डालने हैं। इन सबको आप लोगों ने इस पानी में उबालना है। जब ये पानी एक लीटर का आधा लीटर बच जाएगा तो इसमें आप लोगों को तौलिया डाल देना है, कोई भी आप लोगों ने कपड़ा डाल देना है, उसको अच्छे तरीके से फिर निचोड़ लेना है। उस कपड़े की आप लोगों ने सेकाई करनी है घुटनों के ऊपर। यकीन मानिए आप लोगों को सुनने में बिल्कुल हल्का लग रहा होगा कि यार एक लीटर पानी में ये सब डाल के अगर घुटनों का दर्द ठीक हो जाए सेकाई करने से, भाई विश्वास आप लोगों को उस समय होगा जब आप लोगों के दर्द छूमंतर हो जाएगी, कुछ एक सेकंड्स में, चंद सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में। नुस्खे को करके देखो, आप लोगों को उसी समय से असर दिखेगा। इसमें किसी भी तरह की आप लोगों को दवाई यूज नहीं करनी है, सिर्फ घरेलू उपाय है, पानी लेना है, कड़ी पत्ते लेने हैं, अजवाइन लेनी है, मेथी लेना है, सेंधा नमक, काला नमक लेना है, बस कड़ी पत्ते, और क्या लेना है आप लोगों को, काम हो गया ना आप लोगों का। आपको चाहिए दर्द से आराम, वो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जब सिकाई करेंगे घुटनों के ऊपर तो उसी समय आपका खून के अंदर, खून ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे खून का सर्कुलेशन फास्ट हुआ, घुटनों के दर्द छूमंतर गायब हो गए। सर्वाइकल के दर्द भी हो यही उपाय करना है, डिस्क हो, सियाटिका हो, यही उपाय करना है। साथ में बस खट्टी चीज़ों का परहेज कर लेना बस, और जो मर्जी आप लोग सेवन करते रहो। तो बहुत ही जबरदस्त रामबाण उपाय है ये, आज से इस घरेलू उपाय को करो, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।